जिन बच्चों ने इस बार इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है, काफ़ी बच्चे ऐसे जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारे मार्क्स फिर भी कम आ रहे हैं, तो क्या हम फिर से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं? क्या एक बार इम्प्रूवमेंट देने के बाद दोबारा इम्प्रूवमेंट दिया जा सकता है? जैसे कि उन्होंने पूछा हुआ है कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था लेकिन नहीं दिया है, तो क्या फिर से दे पाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता है। CBSE में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम सिर्फ आप एक ही बार दे सकते हैं, दोबारा नहीं दे सकते, एक ही चांस मिलता है। तो इसमें आपने जिसने मार्क्स बढ़ा लिए उसने बढ़ा लिए, और जो नहीं बढ़ा पाया है यानी कि जिसे कम आएंगे वो उसके फाइनल मार्क्स होंगे, दोबारा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं होता है। तो यानी कि जो भी अब आपके मार्क्स आएंगे वो फाइनल होंगे, और चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, दोनों में से जो बेस्ट होगा, जो भी बेस्ट मार्क्स होंगे वो ले लिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी परसेंटेज बनेगी और आप अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो अपनी परसेंटेज देख रहे हैं, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो जहाँ तक है मई में आ जाएगा, मई के फर्स्ट वीक के अराउंड ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आगे कर सकते हैं। अभी के लिए जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम जिनके चल रहे हैं, आप जो भी आपके इस मार्क्स होंगे यही फाइनल है, इसके बाद दोबारा आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है? ये उनके लिए जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म इस बार भरा था, 2023 में उन्होंने पास करी है 12th को या 10th को, और 2024 में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। बाकी कोई और डाउट तो आप कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई और डाउट तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए आप क्वालीफायर को डाउनलोड कर रहे हैं, क्वालीफायर ऐप का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, क्वालीफायर ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहाँ पे ID सर्च कीजिएगा webgrowclasses@cm4 ID भी दे रखिए, जैसे हम सर्च करेंगे प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉल करके डाउट पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच।